तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्या कहते हैं, एल आर इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। तो एल अपन आर जो है वो किसके बराबर होगा, डायमेंशनल फार्मूला ये हमें निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली दो मेथड मैं बता रहा हूँ, आप और भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे लेंदी मेथड, सबसे गधों वाली बात क्या है कि L का डाइमेंशनल फार्मूला लिखो, R का निकालो, फिर दोनों को रखो, फिर डिवाइड करो, तब तक पता चलेगा तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, गधा मेथड। सेकेंड, जो फर्स्ट मेथड मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से फर्स्ट मेथड बहुत लेंदी है। तो यहाँ से एक फार्मूला है, आप RC सर्किट अगर पढ़े होगे कि अगर कोई इंडक्टर है, ये अगर फार्मूला याद होगे पढ़े होगे, इंडक्टर है, अगर मैं इसमें एक करंट सप्लाई करता हूँ तो ये जो करंट है वो ग्रो टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रो करता है इंडक्टर, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है। तो LR सर्किट आप पढ़े होगे तो जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्रो करता है वो करंट आई नॉट मैक्सिमम करंट और वन माइनस ई की पावर, ई की वन माइनस ई की पावर तुम पढ़े होगे आर टी अपन एल होता है, ये तुम आई होप कि पढ़े होगे। तो आर, और आर क्या है रेजिस्टेंस, एल क्या है इंडक्टेंस, टी क्या है टाइम है। तो अगर ये इक्वेशन याद है तो इसको आसानी से कर लोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता, तो मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, पेशेंस रखना। तो ये जो ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला, तो ये तो पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस होता है। तो ई की पावर कुछ भी होता है, ठीक है ना, तो वो डायमेंशनल लेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आर और टी और एल डायमेंशनल लेस, मतलब वन के बराबर है, तो यहाँ से तुम देखोगे एल ओवर आर, तो एल ओवर आर जो है वो टी के बराबर आ जाएगा, मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डायमेंशन ऑफ टाइम, मतलब बी ऑप्शन सही है, ये दोनों सही नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, हाँ मतलब ये जो है सेकेंड स्मार्ट मेथड, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तुम पढ़े होगे, अगर AC सर्किट पढ़े होगे तो एक्स एल इंड, ठीक है, इंडक्टेंस और एक्स सी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, इन तीनों की जो डायमेंशनल फार्मूला है होता है वो सेम होता है, सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, और वो सेम डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो एक्स एल इज इक्वल टू पढ़े होगे ओमेगा एल के इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी और एल है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स एल को आर के बराबर लिख दूँ और ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी और एल के बराबर लिख दूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल बाई आर, 2 पाई को मैं छोड़ देता हूँ, डायमेंशन लेस है, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड ही तो होता है, तो डायमेंशन ऑफ टी, मतलब इस हिसाब से सेकेंड मेथड से भी अपना स्मार्ट मेथड से सॉल्व हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।